हिमाचल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने आस लगाए बैठे लाखों प्रदेशवासियों को अप्रैल फूल बनाने का कार्य सरकार ने किया है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं ऊंट के मुंह में जीरे के जैसी हैं और कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी को चिन्हित करते हुए मुख्यमंत्री ने महामारी के दौरान आवश्यक और महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले अनेक वर्गों की अनदेखी की है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि 2 माह के लिए 1,500 रुपए प्रति माह के हिसाब से देने की घोषणा कोविड काल में अपनी बेहतरीन सेवाएं देने वाले कर्मचारियों का अप्रैल फूल बनाने जैसा है। ऐसी श्रेणी के कर्मचारियों को ये लाभ पूरे कोरोना काल के लिए मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस, होमगार्ड्स, बिजली, जल शक्ति, निजी डिपो संचालकों के साथ साथ आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य, बिजली, जल शक्ति तथा अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को नजरअंदाज किया है। इसी प्रकार निजी परिवहन सेवा देने वाले ट्रांसपोर्टरों और होटल इंडस्ट्री को दी गई राहत भी न काफी है, क्योंकि कर्ज में दबे होटलियर्स तथा ट्रांसपोर्टर्स पर्यटन गतिविधियों के समाप्त होने तथा डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतों और कोरोना की वजह से मंदी के चलते आर्थिक बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रत्येक प्रभावित वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर सहायता करते हुए उदारता तथा मानवता का परिचय देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना की हैंडलिंग को लेकर विपक्ष की आलोचना को सहजता से लेते हुए मुख्यमंत्री सही निर्णय लेने की हिम्मत दिखाएं और बार बार अपने निर्णय से पलटने की अपनी आदत को सुधारने का कार्य करते हुए स्वयं भी कोरोना गाइडलाइंस की पालना कर जनता को प्रेरित करने का कार्य करें। हिमाचल दिवस के अवसर पर सरकार से उम्मीद लगाए बैठे लाखों प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री ने अप्रैल फूल बनाने का काम किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं ऊंट के मुंह में जीरे जैसी और कोरोना वॉरियर्स को चिन्हित करते हुए भी सरकार एवं मुख्यमंत्री ने महामारी के दौरान आवश्यक और महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले अनेक वर्गों को इससे वंचित रखा, दूर रखा, जिनमें मुख्यतः पुलिस, होमगार्ड्स, बिजली और जल शक्ति विभाग में काम करने वाले का जो फील्ड स्टाफ है, निजी डिपो होल्डर्स हैं और इसी के साथ आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में, बिजली विभाग में, जल शक्ति विभाग में और अनेक विभागों में जिनकी सेवाएं महामारी के इस दौर में आवश्यक थी, जो एसेंशियल सर्विसेज में कवर होती हैं, ऐसे विभागों में कार्यरत बहुत से जो कर्मचारी हैं उनको मुख्यमंत्री ने अपनी जो राहत की घोषणा है उस पैकेज से बाहर रखा है, जो एक तरह से भेदभावपूर्ण है। और इसी के साथ 15 जिन श्रेणियों को इंसेंटिव देने की बात की गई है, 2 महीने के लिए उनको 1,500-1,500 रुपये देने की बात कही गई है, जो न्याय संगत नहीं है। ये इंसेंटिव जिन श्रेणियों के प्रति मुख्यमंत्री ने घोषणा की है और जिन श्रेणियों का जिक्र मैंने किया, इन सभी को संपूर्ण कोरोना काल के लिए मिलना चाहिए। जो कोरोना काल इससे पूर्व निकल गया, जिसमें इन लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं, और जो वर्तमान में महामारी का दौर चल रहा है और जब तक ये दौर चलेगा तब तक ये इंसेंटिव जो है वो इन श्रेणी के लोगों को मिलना चाहिए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री द्वारा होटलियर्स और प्रदेश के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो बस ऑपरेटर्स हैं, ट्रक ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए जो घोषणा की गई है वो भी अप्रैल फूल बनाने जैसा ही है। प्रदेश के होटलियर्स पर्यटकों के नहीं आने की वजह से
बर्बाद हो चुके हैं। प्रदेश के ट्रांसपोर्टर, चाहे वो बस ऑपरेटर्स हैं चाहे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, कर्जे से पूरी तरह से दब चुके हैं। डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उनकी वजह से बेहाल हैं। मंदी की वजह से अपनी कर्ज की किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं, बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए इस श्रेणी के लोगों को दिया गया जो ये राहत पैकेज मुख्यमंत्री का है, ये व्यावहारिक नहीं है, न्यायोचित नहीं है। हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि तमाम वर्गों की स्थिति को, उनके हालात को ध्यान में रखते हुए, व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मुख्यमंत्री और सरकार अलग अलग वर्गों के लिए एक अभिभावक की भूमिका निभाते हुए राहत देने का काम करें।